हरियाणा बोर्ड अक्टूबर नवंबर एग्जाम्स का रिजल्ट जारी। हाँ जी, आपने सही सुना, अक्टूबर नवंबर एग्जाम्स जो अभी हुए थे हरियाणा बोर्ड के 10th और 12th के, उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट तो कल ही आ गया था, लेकिन कल लेट नाइट आया, तो वीडियो आज आपको सुबह मिल रही है। बात करेंगे रिजल्ट कैसा रहा, कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, 10th का आ गया, 12th का कब तक आएगा, सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको चेक कैसे करना है वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर आप ऑफिशियल न्यूज़ देख सकते हैं। 10वीं यानी कि 10th क्लास की बात हो रही है, 10वीं शैक्षणिक व मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित। यानी कि यहाँ पर आपके जो अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम हुए थे, कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट CTP वगैरह की, रीअपेयर वगैरह की, उनका 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो आ गया है। ठीक है, ये है हेडिंग। अब आगे स्क्रॉल करता हूँ इस न्यूज़ को और फिर आगे पढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो भिवानी से ये खबर है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर 2023 में करवाई गई सेकेंडरी शैक्षणिक व मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का परिणाम सोमवार देर रात घोषित कर दिया। अब ये देर रात आया है, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। आगे देखिए, यह परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर देखा जा सकता है, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आपका रिजल्ट जो है कल यहाँ पर रात को आया है। आगे देखिए, बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया, यानी कि बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्या बताया रिजल्ट के बारे में, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 41.10% रहा। 17,000 के आसपास बच्चे थे, जिनमें से 8,000 के आसपास जो है उत्तीर्ण हो गए हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स के दोबारा से एक दो सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आई है, कुछ एक जो हैं वो बिल्कुल फेल भी हो गए हैं। वो वही हैं जो मैंने आपको बताया था, जो बिल्कुल लिख के नहीं आए हैं। इसके बाद आगे बताया है कि भाई यहाँ पर जो है 10,333 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से इतने पास हो गए, यानी कि सारा का सारा डेटा दिया गया है कि भाई कितनों ने एग्ज़ाम दिया, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। और यहाँ पर लास्ट ही लास्ट में इस न्यूज़ की मैं आपको दिखाता हूँ, बताया गया है कि भाई जिनको भी शक है कि भाई हमारा रिजल्ट ख़राब दे दिया और कुछ हो गया, वो जो है दोबारा 20 दिन के अंदर अपनी कॉपियाँ दोबारा से चेक करवा सकते हैं। तो ये भी सुविधा आपको दी गई है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आपके जो रिजल्ट की न्यूज़ थी। अब मैं आपको हरियाणा बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर लेके चलता हूँ और फिर आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है वो बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम स्क्रॉल करते हैं नीचे, इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो ये अलग अलग कलर के बॉक्सेस आते हैं, देख सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे ऊपर तो नहीं, ये थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये ऑरेंज और रेड, ये वाले देखो दो, HOS ओपन का रिजल्ट है 10th का, और ये अकेडमिक का रिजल्ट है, यानी कि 10th क्लास के रिजल्ट के हैं दोनों, वो तो ओपन वाले और वो अकेडमिक रेगुलर वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी स्टूडेंट थे ओपन से, उनको वो चेक करना है उसके ऊपर क्लिक करके, और जो ओपन से नहीं थे उनको ये वाला रेड वाला चेक करना है। 12th का अभी नहीं आया है, तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। पहले रेड वाले पे क्लिक किया, अब आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। आप देख सकते हो सेकेंडरी एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 एग्ज़ाम रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर रोल नंबर डाल के निकाल लो अपना, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के निकाल लो अपना, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये डाल के कैप्चा ये होता है, ये वाला डाल के सर्च रिजल्ट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी मेरे पास किसी का रोल नंबर वगैरह नहीं है डिटेल, वरना मैं आपको निकाल के भी दिखा देता। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीधा रोल नंबर डालोगे, सर्च करोगे, निकल जाएगा। ठीक है, रोल नंबर भी नहीं है, भूल गए हो तो अपना नाम तो याद होगा, पापा का नाम भी याद होगा, मम्मी का नाम भी याद होगा, और ये जो है 10586 ये यहाँ लिखना है और सर्च रिजल्ट कर दोगे, निकल जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, 10th अकेडमिक की। अब ओपन की बात करें तो ओपन का मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बैक करेंगे एक बार। बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए, फिर से साइट खोलता हूँ एक सेकंड। तो यहाँ पर जो है हरियाणा बोर्ड की साइट जो है उसके ऊपर ही आपको ये दोनों के दोनों रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया। अब की बार ऑरेंज वाले पे क्लिक करता हूँ, ओपन वाले पे, तो ऐसे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाते हैं, इनमें अपनी डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, अपना नाम, पापा का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख दो, उसके बाद सर्च रिजल्ट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है वो आ चुका है 10th क्लास का। अब मैं बात करूँ 12th क्लास की, तो 12th क्लास के बारे में देखिए, अभी हरियाणा बोर्ड ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे सामने आई है कि 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो एकदम से सरप्राइजली आया है। तो ऐसे ही हो सकता है 12th क्लास का रिजल्ट भी सरप्राइजली कभी भी अब आ सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि हमें भी अपडेट नहीं मिल पाई सच बताऊं तो,
आपसे क्या छुपाना, वरना सारी अपडेट आ जाती हमारे पास कि भाई रिजल्ट आने वाला है ये वो, लेकिन टेंथ क्लास की अपडेट नहीं आई। सरप्राइजली देर रात, ये भी ध्यान से देखो, देर रात को रिजल्ट आया है, यानी कि कोई बताया नहीं गया कि भाई इतने बजे आएगा, ये होगा वो होगा, सरप्राइज़ दिया गया है। तो ऐसे ट्वेल्थ क्लास में भी जो है रिजल्ट अब आपका कभी भी आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए। हो सकता है आज ही आ जाए देर रात, कल देर रात आ जाए, कल दोपहर को आ जाए, परसों आ जाए। तो अगर ट्वेल्थ की अपडेट हमें मिलती है तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन अब बहुत जल्दी ट्वेल्थ का रिजल्ट भी आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिए। ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही ट्वेल्थ की कोई अपडेट आती है बताएंगे, और टेंथ वाले भाई चेक कर ही सकते हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।